हाँ बोलो सर, अमे 1416 वर्षथी वीसी कॉम्प्यूटर ऑपरेटर ग्राम पंचायतमां काम करता होईए અને ડિજિટલ ગુજરાતનો જો પાયો કહેવાય એવા અમે વીસી કર્મચારીઓ નાનામાં નાના કામથી લઈને મોટામાં મોટા કામને એકદમ સપોર્ટ કરીને રાતને દિવસ તનતોડ મહેનત કરીએ છીએ, તેમ છતાં ભારત ભાજપ સરકાર કોઈ જ જાતનો પગાર કે રૂપિયો પણ કમિશનમાં પણ લાયડ કરે છે, ટાઈમે કમિશન નથી આપતા. અને જો રૂપિયો રડો ક્યાંયથી લઈ લીધો હોય તો એમ તેમ છતાં કે એને પૂરી દેવાની તો ધમકી આપે કે બેન કે આમ કર ખોટું કરી નાખ્યું, કરોડો રૂપિયાનું તે બોગસ કરે છે. અને આપણને લોકોને નાના લોકોને એમ કે તમે બહુ ખોટું કરો છો. આવા બધા મોટા મોટા પ્રશ્નોને લઈને અમે ઘણી વાર રજૂઆતો કરી, તેમ છતાં તે સાંભળતી નથી ભાજપ સરકાર. બોલો બોલો. હું લીંબડી તાલુકા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો પરાલી ગામ પરાલી હું સરપંચ. હા બોલો બોલો બોલો, સાંભળે છે. હવે અહીંયા સુધી મને જે પહોંચાડવા વાળા છે તે અમારે પરસોત્તમભાઈ મકવાણા સાહેબ શ્રી દસાડા વિધાનસભામાં ઉભા રહેવાના, તો અમે એમને ગામનો પ્રશ્ન રજૂ કરજો. ગામનો? હા, ગામનો પ્રશ્ન શું છે? ગામનો તો સારો વિકાસ થાય એવી આપણે સાહેબને વિનંતી કરવી. ઓકે, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, આભાર. થેન્ક યુ. આપ મે બડી તાકત હૈ ઓર ઇસ બાર અપની તાકત દિખા દો, એક બાર અપની તાકત દિખા દો. ये भाजपा वाले आपको अपना गुलाम समझते हैं. कभी इज्जत दी भाजपा वालों ने आपको? सरपंचों को कभी इज्जत दी? डराते हैं, धमकाते हैं, इंक्वायरी कर देंगे, ग्रांट बंद कर देंगे, ये कर देंगे. करते हैं कि नहीं करते हैं? वीसी को तंग करते हैं कि नहीं करते हैं? आम आदमी पार्टी आप लोगों को सम्मान करती है. मैं नहीं समझता कि 27 साल से आज गुजरात में भाजपा है. मैं नहीं समझता कि एक भी चुनाव के पहले, आज मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, गुजरात के सरपंचों से बात करने के लिए. आज मैं दिल्ली से आया हूं वीसी से बात करने के लिए. क्या कभी आज तक चुनाव के पहले भाजपा ने सरपंचों की मीटिंग बुलाई? क्या कभी वीसी की मीटिंग बुलाई? उनको आपके वोट नहीं चाहिए, उनको आपके वोट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए. मेरे को आपका वोट भी चाहिए, आपका टाइम भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए. हम आपका सम्मान करते हैं. हम आज आपके साथ बातचीत करने के लिए आए हैं. आपकी जितनी समस्याएं हैं, मैं भी बात करूंगा उस पर, वो आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं, उनका समाधान करना मेरा काम है. दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे, 15 दिसंबर तक सरकार बन जाएगी, 28 फरवरी के पहले पहले आप अपनी समस्याओं का समाधान ले लेना मेरे से. आज जितनी बातें मैं बोल के जा रहा हूं 28 फरवरी के पहले पहले पूरी कर दूंगा, लेकिन सरकार बनाने का काम आपका है. जैसा मैंने कहा, अगर सारे सरपंच इकट्ठे हो जाएं, सारे वीसी इकट्ठे हो जाएं, भाजपा की एक भी सीट नहीं आएगी. दिल्ली में 70 में से 67 सीट आई थी पिछली बार, 67 भाजपा की 3 सीट आई थी. दिल्ली में भाजपा की 3 सीट आई थी. पंजाब में हमारी 117 में से 92 सीट आई, भाजपा की 0 सीट आई थी. गुजरात की चाबी आप लोगों के हाथ में. अगर आप लोग आज से निकल जाओ, सारे वीसी और सारे सरपंच अपने अपने गांव में, मैं समझता हूं कि आप पूरा चुनाव पलट सकते हो, क्रांति ला सकते हो. आप लोग आज, पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है. दिल्ली में तीसरी बार मेरी सरकार बनी है, 3 चुनाव जीते हैं हम लोग. पहले चुनाव में नई नई पार्टी थी हमारी, 28 सीट आई.
लोगों को लगा 28 सीट भी बहुत है, नई पार्टी बनी और एक साल में 28 सीट आ गई, सरकार बन गई। अगली बार लोगों ने 67 सीट्स दे दी और तीसरी बार लोगों ने 62 सीट्स दे दी। क्यों? जनता हमारे काम से खुश है। आज भी अगर चुनाव हो जाए तो दिल्ली में हमारी 65 से ज्यादा सीट्स आएंगे। जनता हमारे काम से खुश है। 27 साल गुजरात के अंदर भाजपा का शासन है, जनता भाजपा से नाराज है। जनता भाजपा को गली गली के अंदर गालियां दे रही है। अगर आज गुजरात के अंदर भाजपा से जनता खुश होती तो आज आप लोग इस हॉल के अंदर मेरी बात सुनने के लिए नहीं आते। मैं जहां जा रहा हूं, इतने लोग उमड़ के आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, इतने क्यों आ रहे हैं? वो एक नई उम्मीद चाहते हैं, वो परेशान हो चुके हैं, वो इनकी गुंडागर्दी से, इनके अहंकार से सुनते ही नहीं है ये किसी की, इंसान को इंसान नहीं समझते ये लोग। ये परेशान हो चुकी है जनता, इसलिए मेरे पास आ रही है। अगर आज गुजरात के लोग भाजपा से खुश होते वो केजरीवाल को घास नहीं डालते। आज हमारे पास लोग इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि गुजरात के लोग नाराज हैं और गुजरात के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पंजाब के अंदर अच्छा काम शुरू हो गया, अब गुजरात भी मांग रहा है कि गुजरात के अंदर भी अच्छा काम शुरू होना चाहिए। एक सरपंच अपने गांव में चुनाव जीतता है, अगर गांव में चुनाव जीतता है तो उसकी बहुत इज्जत होगी, लोग उसको चाहते हैं, उसका सम्मान है, अपने गांव का नेता है। वो सरपंच चुनाव जीतने के बाद अपनी जेब से पैसे खर्चे करता रहता, अपनी जेब से पैसे खर्चे करता रहता। गांव के लोग उसके पास आते हैं, ये काम करा दो, वो काम करा दो, उसके पास कोई फंड नहीं है। अभी जैसे किसी ने बताया, फंड लेने जाता है तो वो पैसे कमीशन मांगते हैं। मांगते हैं कि नहीं मांगते कमीशन? चाहे एमएलए से लेने जाए, चाहे जिला अधिकारियों से लेने के जाए, वो कमीशन मांगते हैं। इसको हम खत्म करेंगे। सरपंचों की तनख्वाह बांधी जाएगी, हर सरपंच को हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। मैं समझता हूं कि ये भी कम है, लेकिन एक शुरुआत करेंगे, 10,000 रुपए महीने से शुरुआत करेंगे, बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। 10,000 रुपए हर महीना हर सरपंच को मिलेंगे ताकि वो अपना खर्चा पानी कर सके। एक सरपंच को अपने गांव में किसी ने कहा पानी नहीं है, किसी ने कहा सड़क नहीं है, किसी ने कहा सफाई नहीं है, ये छोटे छोटे काम कराने के लिए तो सरपंच के पास अपना पैसा होना चाहिए, फंड होना चाहिए। कोई भी आए, ये गली बनानी है, सरपंच कहे ठीक है मैं बनवाता हूं। कोई भी आए, ये काम कराना है, ये पाइपलाइन डलवानी है, सरपंच कहे मैं बनवाता हूं। तो हर पंचायत को सीधे जिले के थ्रू नहीं, सीधे राज्य सरकार से सीधे हर पंचायत के पास 10,00,000 रुपए का फंड दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आपको किसी एमएलए के पास जो दूसरे फंड मिल रहे हैं वो मिलेंगे, किसी एमएलए के पास हाथ फैला के जाने की जरूरत नहीं है, किसी जिला अधिकारी के पास हाथ फैला के जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना फंड मिलेगा, आप सीधे अपने फंड को इस्तेमाल कीजिए, जनता के साथ बैठ के उसके साथ काम कीजिए। मंजूर है? और ये काम 28 फरवरी के पहले पहले हो जाएगा। हमारे जितने वीसी हैं, विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर्स, अभी मैं आपके सेक्रेटरी से मिला, मैं जहां सर्किट हाउस में रुका हुआ था, वो आए हुए थे वो सब लोग। आप लोगों की मोटे मोटे तौर पे एक ही डिमांड है और बिल्कुल जायज डिमांड है कि ये जो कमीशन दी जाती है प्रति काम के हिसाब से, वो पहले ही इतनी कम है और उसमें से भी राज्य सरकार कुछ ले लेती है, ये कमीशनबाजी बंद करके एक पगार होनी चाहिए हर महीने। यही मांगे ना? उन्होंने मुझे बताया कि 20,000 रुपए हर महीने पगार होनी चाहिए। मंजूर है?
ये भी 28 फरवरी के पहले पहले कर देंगे। अब मेरे को पता है वीसी अपने गांव में लोगों के सारे काम कराता है, छोटे छोटे काम कराता है, सबको जानता है, सरपंच हर परिवार को जानता है। अब आप लोगों को एक एक वोट, एक एक वोट, हर वोट आम आदमी पार्टी को डलवाना है। सारे सरपंचों को भी और सारे वीसी को भी। वीसी आप लोगों की, मुझे बताया गया आपकी कोई वो है, एसोसिएशन है, उसमें आप सब लोग जुड़े हुए हैं। आज अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कर देना, सब लोगों को बोल देना, और सबके ऊपर आपको निगरानी रखनी है कि सब लोग अपने अपने गांव में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जितने सरपंच हैं, आप में से कई लोग भाजपा के भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर इसमें से कोई भी भाजपा का है, ये बता दे कि 27 साल में भाजपा ने आपको क्या दिया, उससे ज्यादा मैं दूंगा आपको। क्या दिया भाजपा ने 27 साल में आपको? गाली दी, जिल्लत दी, बेइज्जती दी, इसके अलावा कुछ दिया? आपके बच्चों के स्कूल बनवाए, आपके लिए अस्पताल बनवाए, कोई बिजली दी, पानी दिया, कुछ दिया? फिर क्यों भाजपा के साथ हो? मैं आपको इतना कुछ दे रहा हूं, मैं आपको फ्री बिजली दूंगा। 1 मार्च से पंजाब के अंदर अभी सरकार बनी हमारी, कब बनी? 16 मार्च को, 16 मार्च को सरकार बनी, 1 जुलाई से पूरे पंजाब की बिजली फ्री हो गई है। लोगों के जीरो बिजली के बिल आ रहे हैं, जीरो जीरो जीरो, कोई हंसी खेलनी है, जीरो बिजली के बिल आ रहे हैं। पुराने सारे बिल माफ कर दिए अभी तक जो बकाया थे, और नए बिल आने बंद हो गए, जीरो बिजली के बिल, 24 घंटे बिजली। यहां पे 15 दिसंबर को सरकार बनेगी, 1 मार्च से आपके सबके बिजली के बिल जीरो आने लग जाएंगे।